दोस्तों, मैं अभी अपने चैनल पर एक मैसेज देना चाहती हूँ। वैसे तो आप सभी को कि सबसे पहले जो ये वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है और हमारा भारत अभी तीसरे स्थान पर आ गया है, तो ये समय अभी ठीक नहीं है। तो वैसे जो भी ट्विन सोल जो जानते होंगे कि वो ट्विन हैं, वो अच्छे से उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें शायद 2-3 दिनों से ये फील हो रहा होगा कि उनकी एनर्जी कुछ कम हो रही है, वो डाउन फील कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्विन्स होते हैं वो निगेटिव एनर्जी को सोख लेते हैं। और जिस तरह कहते हैं कि दुनिया में अभी पूरी निगेटिविटी फैल रही है और वो अब भारत तक आ गई है, जिसका असर अब हम ट्विन्स पे भी पड़ रहा है। ट्विन फ्लेम, जो इसे सुन रहे हों उनके लिए ये मैसेज है, आप सभी के लिए ये मैसेज है कि हमें बनाया गया है इस अर्थ की, इस यूनिवर्स की रक्षा के लिए। अपनी एनर्जी उन्हें देने का यही सबसे सही टाइम है। अभी तक तो हम मेडिटेशन कर रहे थे अपने डीएम को पाने के लिए, या अपने काउंटर पार्ट को के लिए, या रीयूनियन के लिए, या स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। लेकिन अभी सही वक्त आया है जब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जितने भी ट्विन्स हैं, अगर सारे लोग मिलकर मेडिटेशन करेंगे, आपको दिन में कम से कम 3 बार मेडिटेशन करना होगा और यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रे करना होगा। अपनी एनर्जी अर्थ को देनी होगी, इस सृष्टि को देनी होगी, जिससे कि जल्दी से जल्दी कुछ उपाय निकल सके, इस बीमारी को रोका जा सके और लोगों की सुरक्षा हो सके। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें करना चाहिए। हमारे ट्विन्स के लिए ये मैसेज था। और आप वैसे भी रोज़ मेडिटेशन करते ही हैं, स्पिरिचुअल हैं। और हाँ, जो लोग ट्विन्स नहीं हैं और ये सुन रहे हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, नॉर्मल लोग, कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। तो अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जिनके लिए है वो समझ जाएंगे। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए, आम जनता के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी मेडिटेशन करते हैं, प्रे करते हैं, तो आप लोग प्रे करिए और अपने विश्व की सुरक्षा का दायित्व तो खुद पर लीजिए। बैठिए भगवान के सामने, आंखें बंद कीजिए और डिवाइन से कहिए कि अभी आपको ही सब कुछ देखना होगा, आप सबको अपनी एनर्जी देनी होगी, तो हमारे विश्व की, हमारे भारतवर्ष की सुरक्षा होगी। इसलिए मैं आपको मैसेज देने के लिए अभी आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप सभी को करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदू धर्म में हैं, आपको हवन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, कपूर जलाना चाहिए, आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल अभी के समय में करना चाहिए। और सुरक्षा के लिए कहना चाहूँगी, बार बार ये सारी न्यूज़ आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको होता है और पता चलने के बाद भी वो बहुत सारे लोगों में घूम रहे हैं, इसे फैला रहे हैं। तो कोई भी एक व्यक्ति है, उसे जब पता है कि इसका अभी कोई इलाज प्रॉपर नहीं है, अगर कहीं बन भी जाएगा तो इतने जल्दी हमारे भारतवर्ष में नहीं पहुँचने वाला है, अभी आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए। और अगर किसी को भी पता चलता है कि आप में वो सिम्टम है जरा सा भी, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, खुद को एडमिट कीजिए, लोगों से ना मिलिए, उनसे दूर रहिए, अपने दायित्व को समझिए। ठीक है, आप व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह चीज़ों का मजाक बन रहा है, वो भी ठीक है कि आप पैनिक ना होइए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि वो उनको हो रहा है, उनको हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, मुझे तो होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये किसी को भी कहीं से आ सकता है, किसी को भी हो सकता है, आपको इस बात को समझना होगा। तो सबसे पहले अपना दायित्व निभाइए, ईश्वर से सारे लोग मिलकर प्रे कीजिए इस बात के लिए कि आपकी सुरक्षा हो। इसी के साथ मैं भोलेनाथ का नाम लेती हूँ, मैं उनको प्रे करूँगी। मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं मेडिटेशन करूँगी। अपनी एनर्जी अब हमें अर्थ को देने का समय आ गया है और हमें ये करना ही होगा। धन्यवाद।